बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। और उम्मीद करते हैं कि सब बहन भाई अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैंने आज से बच्चों को स्कूल का काम स्टार्ट करवाया है। तो इन्होंने, आपने कौन सा काम शुरू किया है अभी बेटा? अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाह। आज हम सबसे पहले उर्दू का हमने काम शुरू किया है, और अभी हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट का काम रहता है, और अभी हम वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे काम। अच्छा, तो आज को से आपको उर्दू के ये मैंने करवाना है आपको, और अल्फाज और जुमले करवाएंगे। तो अभी मैंने ये आज से वाइटिंग बोर्ड लगाया है, तो इसमें जैसा कि स्कूल की रूटीन होती है कि बच्चों को स्कूल के रूटीन के मुताबिक जिसका क्लास वर्क होता है ऐसे करवाऊंगी। एक तो इनकी जो है ना वो हैबिट चेंज नहीं होंगी, जैसे स्कूल का काम होता था ऐसे ही हर रोज़ इंशाल्लाह हुआ करेगा। और दूसरा, इनको काम करवा के तो फिर मैं करूँगी इंशाल्लाह, ऐसे इनके लिए जो याद करने वाला है वो करवाऊँगी, इनकी तैयारी करवाऊँगी। क्योंकि इसके छुट्टियों के फ़ौरन बाद ही कुछ एक तकरीबन एक मंथ के बाद फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज से मैंने बच्चों की जो रूटीन बनाई है कि ये नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और डेली अब क्या करूँगी इनकी नमाज़ की भी मुकम्मल पाबंदी हुआ करेगी आप लोगों की। तो आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है बच्चों? मैं तो पांच पर तो नमाज़ पढ़नी है। इसके बाद आप लोगों ने एक जो भी कुरान पाक आपने पढ़ रहे थे वहीं से वो भी शुरू करेंगे, कुरान पाक का भी करेंगे आज से। इसके बाद आपने स्कूल का वर्क करना है, एक्टिविटीज़ के लिए इनको टाइम दिया करेंगे। तो इसके अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं और लायक भी हैं, और इन्होंने यही वाला स्टार्ट किया है, खुशखबरी वाला आज से स्टार्ट किया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह से कर ले उर्दू का कंप्लीट करवा के फिर मैं इंग्लिश का करवाऊंगी। तो अभी जब इंग्लिश का, इसके बाद मैथ का होगा, और मैथ के बाद फिर इंशाल्लाह से थोड़ा दिन रेस्ट होगी, दो तीन दिन रेस्ट होगी। इसके बाद फिर बाकी और करवाएँगे आस्ते आस्ते, इनका सारा इसी महीने में कम्प्लीट करवा के। तो फिर इंशाल्लाह से बाद में इनको ना वो स्टडी इनकी स्टार्ट होगी रिटर्न का काम करके। तो फिर दूसरा ये करवाने वाले जो है ना वो करवाएंगे। और ये जो उन्होंने दिया हुआ है स्कूल वालों ने बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। अच्छा, ज़रा लाइन है, आप प्ले वाला लाइन है काम, ज़रा प्ले ये आप देख सकते हैं हमारे स्कूल वालों ने कितना अच्छा और कितने ये तरीके से उन्होंने करवाया है, काम किया है। ये जो बच्ची है जो खुद ही कर रही है, अभी तक ये स्कूल में भी नहीं गई। और ये देखें, मैंने बहुत दूसरे स्कूलों का भी देखा है, लेकिन उनका काम जैसे हमारा डिसिप्लिन से बना हुआ है ऐसे स्कूलों का काम नहीं बना हुआ। और ये हमारे स्कूल वाले माशाल्लाह से एक छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, तो थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बाद में वो टीचर्स को भी कहते हैं और ख़ुद भी इसका ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े स्कूलों के नाम हैं, जैसा कि ये एजुकेटर है, सीनियर अकेडमी हमारे तरफ है, एजुकेटर का तो बहुत ज़्यादा नाम है क्योंकि उसकी ब्रांचेस भी हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन उन लोगों का काम मुझे पसंद नहीं आया, उन लोगों ने काम कोई भी डिसिप्लिन से अच्छी तरह से नहीं बना के दिया हुआ, और बहुत ज़्यादा उनकी कटिंग भी हुई है और स्पेलिंग की गलतीज़ हैं। लेकिन हाँ, ये स्कूल जो है माशाल्लाह से फीस भी हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा कम है, और इसके बाद जो काम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। देखिए कैसे हमने बनाया हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपने स्कूल से। वो लोग फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तकरीबन एक बच्चे की 3000 से 4000 तक है। और काम भी देखिए ना, मैं आपको वो भी कभी दिखाऊँगी, बहुत ही गंदा काम बना हुआ है, और कोई भी डिसिप्लिन के लिए ऐसे नहीं काम बना हुआ। आप खुद देख के कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा काम इन्होंने बना के दिया हुआ है प्ले के बच्चों को। और ये होती है कि खेल ही खेल में है, ये स्टडीज़ होती है, तो ये कोई नहीं है, बच्चों के सर पे इतना बोझ भी नहीं डालते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से और खेल कूद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो मैम है वो बहुत अच्छे तरीके से स्कूल को चला रही हैं। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह से कल मैं